जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूँ, वो घर कीलने के लिए और सुरक्षा का मंत्र कि अगर आप कोई साधना कर रहे हैं तो फिर आप किस प्रकार से अपना सुरक्षा घेरा बनाएं, और अगर घर के अंदर किसी प्रकार का किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग किया है या फिर कोई वायव्य आत्मा यानी कि भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी कोई भी है जो कि आपको घर के अंदर परेशान कर रही है, सभी व्यक्तियों को परेशान कर रही है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी उपद्रव है, चाहे वो बीमारी को लेकर के हो, चाहे वो घर को लेकर के हो, या फिर कोई तांत्रिक प्रयोग को लेकर के हो, या फिर कोई आप साधना करने जा रहे हैं उसमें सुरक्षा का महत्व हो, तो उन सभी में आप इस मंत्र का बेधड़क प्रयोग कर सकते हैं। और ये मंत्र अपने सारे मंत्र फेल हो जाएं, लेकिन ये मंत्र अपनी ताल टोक मतलब कि ताल ठोक के खड़ा रहेगा और आपको सुरक्षा प्रदान करेगा ही करेगा। जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं उसकी साधना आपको कैसे करनी है ये आप भली प्रकार से सुन लेना, समझ लेना। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो फिर आपको ना तो मंत्र की पता लगेगी, क्योंकि मंत्र मैं दूंगा आपको वीडियो के अंदर ही, लिख करके मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से मंत्र को नोट कर लेना, ठीक है। और एक मंत्र जो मैंने दूसरा भी मतलब कि दोनों ही मंत्रों को मैं दे दूंगा इसी में ही, आपको कहीं भी दूर भागने की आवश्यकता नहीं है। और इस साधना को किसी भी दिन आप शुरू कर सकते हैं, चाहे आप मंगलवार को शुरू करें, चाहे आप शनिवार को शुरू करें, या फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि होली का दिन हो गया, दीपावली का दिन हो गया, नवरात्रि का दिन हो गया, या फिर कोई भी ऐसा शुभ पर्व है जैसे कि गुरु पुष्य योग होता है, सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, इसमें इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अब मतलब कि शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी शनिवार से भी शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार से भी शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा इसमें कोई दिन का इतना बड़ा विचार नहीं है कि भाई आप शुरू ही नहीं कर सकते उस दिन। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना है, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और या तो शाम के वक्त करें या फिर सुबह के टाइम करें, या दोनों टाइम भी कर सकते हैं इसको। और इस मंत्र का कम से कम 10,000 की संख्या में जाप होना चाहिए, मतलब कि चाहे आप 21 दिन में करो, चाहे आप 11 दिन में करो, चाहे आप 41 दिन में करो, लेकिन लगातार इस मंत्र का 10,000 की संख्या में जाप हो जाए तो मंत्र में बहुत पावर आ जाती है। वैसे तो मंत्र ये आप 1,000 बार भी जाप कर लेंगे काम तो तब भी करेगा, लेकिन उतनी पावर नहीं आ पाती है जितनी कि आप अगर 10,000 की संख्या में इसका जाप कर लेंगे या फिर रोज आप जाप करते रहेंगे तो इसमें बहुत पावर आ जाती है, और धीरे धीरे इस मंत्र में इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप एक बार मंत्र का उच्चारण करते ही सब कुछ जो भी उपद्रव है सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा जपोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे कहने का अर्थ मतलब ये है, आप समझदार हैं तो ये बात को आप ढंग से समझ लेना कि जितना ज्यादा मंत्र जाप करोगे उतनी ही पावर ज्यादा आएगी, जितना कम मंत्र जाप करोगे उतनी ही पावर कम आएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्नान आदि करके पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है, सामने विष्णु भगवान की या नरसिंह देव की आपको तस्वीर रखनी है या फिर हनुमान जी की भी तस्वीर आप रख सकते हैं। सबसे पहले अपने गुरु मंत्र का आपको जाप करना है, जो भी आपके गुरु हैं, चाहे भगवान शिव हैं, चाहे आपके कोई और गुरु हैं जिन्होंने गुरु मंत्र दिया है, सबसे पहले आपको गुरु का पूजन करना है। एक दीपक आपको शुद्ध देसी घी का इसमें जलाना है, सुगंधित अगरबत्ती लगानी है,
प्रसाद के लिए आप बतासा चढ़ा सकते हैं या कोई मिष्ठान चढ़ा सकते हैं भोग लगाने के लिए। और सुगंधित पुष्प, कोई से भी पुष्प हों, चाहे गेंदा के हों, चाहे गुलाब के हों, किसी के भी पुष्प हों, जो चढ़ाने के लिए आप वहाँ पर रखें जरूर। तो पंचोपचार, छोटा सा पूजन कर लें गुरु जी का, और अपने गुरु मंत्र का जाप, एक माला दो माला जो भी है आप कर सकते हैं। और कोई भी साबर मंत्र है उसको जपने से पहले, मैंने आपको एक गुरु मंत्र, मैंने आपको साबर गुरु मंत्र बताया है, पहले भी मैंने वीडियो दी है। गुरु सठ गुरु सठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़, उठ जाग चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 11 बार या 21 बार जाप आप पहले कर लें, तो कोई भी साबर मंत्र हो जो आप सिद्ध करना चाहते हैं, वो निर्विघ्न साबर मंत्र सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर 11 बार या 21 बार आप जाप कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और ये मंत्र वीडियो को रोक रोक करके आप लिख लेना, मैंने बोल करके बता दिया है, उसमें लिख लेना आप, ठीक है। या फिर मैंने किसी और, जो मैंने वीडियो इसकी दी हुई है, आप वहां से उनको नोट भी कर सकते हैं। अब आगे जो आपको करना है इसके बाद, भाई गुरु मंत्र का भी जाप हो गया, आपने इसका भी जाप कर लिया, अब आपको मूल मंत्र जो है वो मैं आपको बता देता हूं और उसका जाप आपको करना है। तो जो नरसिंह भगवान की, जो विष्णु भगवान की तस्वीर आपके सामने रखी हुई है या हनुमान जी की तस्वीर रखी हुई है, उसका पंचोपचार पूजन करें, छोटा सा पुष्प चढ़ा दें, दीपक धूप दीप दिखाएं और प्रसाद चढ़ाएं। और बाद आपको रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है इसमें, ठीक है। और रुद्राक्ष की माला मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसी माला आपको चाहिए तो उस माला के लिए आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, आपको ऐसी माला प्रोवाइड करवा दी जाएगी। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी है वीडियो के, और वीडियो में भी मैंने दिया हुआ है, तो वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी माला आप प्राप्त कर सकते हैं जो कि साबरी मंत्रों से सिद्ध हो। और जो माला मैं आपको दूंगा वो साबरी मंत्रों से सिद्ध होगी, और उस माला से अगर आप जाप करते हैं तो फिर आपका जो ये मंत्र है बहुत जल्दी सिद्ध होगा। अब आप देख लें कि आपको 5 माला का जाप करना है, 1 माला का जाप प्रतिदिन करना है या 2 माला का जाप प्रतिदिन करना है। जितना पहले दिन करो जाप उतना ही फिर आपको डेली करना ही करना है, ठीक है। और ये 21 दिन तक आपको करना है, अगर आगे भी आप करते हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो इस मंत्र में पावर धीरे 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 करके पावर आती चली जाएगी, चाहे आप इसका 6 महीने जाप करो, अगर आप करते रहोगे जाप तो बड़ी अच्छी बात है। या फिर ऐसा करो कि 21 21 दिन की पुनरावृत्ति कर लो, कि भाई 21 दिन मंत्र जाप कर लिया, फिर उसके बाद गैप दे करके फिर 21 दिन कर लिया, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो आपको अब मैं मंत्र आपको बता देता हूं कि मंत्र आपको कौन सा जपना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो आदेश गुरु का ईश्वर वाचा, अदि बजरी बाड़ा बजरी में बजरी बांधा, दसों द्वार छवा और को घालो तो पलट हनुमंत वीर उसी को मारे। पहली चौकी गणपति, दूजी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी में भैरव, चौथी चौकी देत रक्षा करण को आवे श्री नरसिंह देव जी। शब्द साचा पिंड कांचा, चले मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र थोड़ा बड़ा है लेकिन मंत्र में बहुत पावरफुल शक्ति है, क्योंकि इसमें 4 महावीरों की शक्तियां हैं, 4 महावीरों की चौकी लगाई गई है और एक साथ 4 महावीरों का मंत्र है ये, ठीक है।
तो जब ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाए, जब इसमें पावर आ जाए, 21 दिन कम से कम कर लो, तो तब आपके लिए ये प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। और 21 दिन तक आप अगर दो माला का भी जाप करते हो तो फिर ये प्रयोग करने के लिए हो जाता है तैयार। लेकिन अगर इसमें आपको और भी तगड़ी पावर चाहिए तो फिर इसकी साधना की पुनरावृत्ति करना, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि थोड़ी सी सरसों ले लें, और जब भी किसी के घर को कीलने के लिए आप जाएं, तो फिर अपने ऊपर इस चौकी को 5 बार या 7 बार पढ़ करके और अपने ऊपर ही फूंक मार लें, तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। और फिर उस घर के अंदर आप दाखिल हो जाएं जिस घर में से आपको किए कराए का अंत करना है और घर को कीलना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे अंदर वाले कमरे में जाएं और कमरे के दरवाजे और खिड़कियां जो भी हैं वो गिन लें। उतनी ही कील आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और इस मंत्र का अगर आप हवन कर लेंगे डेली, जैसे कि आप सिद्ध साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, और इसका अगर एक माला का हवन भी आप डेली कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अंदर वाले कमरे में जाएं और जितने भी खिड़की दरवाजे हैं, या मतलब कि शुरुआत से लेकर के लास्ट तक के, वो गिन लें और उतनी ही लोहे की कीले ले लें। अब आपको क्या करना है, उस घर के अंदर आपको हवन करना है। आम की लकड़ियां ले लें और हवन सामग्री ले लें और मंत्र पढ़ करके हवन करते रहें। एक एक माला का हवन कर लें, यानी 108 मंत्रों का हवन कर लें, और वो लोहे की कीले अग्नि में छोड़ दें, ठीक है। जब वो अग्नि की लोहे की कीले जब अग्नि में आप छोड़ देंगे, उसी में हवन कुंड में ही, तो वो कीलें जो है सिद्ध हो जाएंगी। और अब आपको क्या करना है कि थोड़ी सरसों ले लें, सरसों ले करके मंत्र पढ़ के 11 बार या 7 बार सरसों पर फूंक मार लें, और फिर मंत्र लगातार पढ़ते रहें, और पूरे घर में, मतलब कि जैसे अंदर वाले कमरे में गए वहां पर सरसों बखेर दी, और बाहर निकले उस चौखट में एक कील ठोक दी, या दरवाजा खिड़की है तो खिड़की में भी कील ठोक दी, एक जो कील आपने हवन में डाली है वो कीलें निकाल करके। अब उसके बाद एक एक कमरे में ऐसी तरीके से करते रहें, पूरे घर में आपको उसी तरीके से सरसों मंत्र पढ़ते हुए फेंकनी है, डालनी है, और कील ठोकते हुए चले आए। तो जब आप सबसे बाहर आप आ जाएंगे मेन दरवाजे पर, तो वहां पर भी आप सरसों डाल करके चारों तरफ और कील ठोक दें। तो ये घर कीलने के लिए ये विधि हो गई इसकी। घर पूर्ण रूप से कील जाएगा, किसी का किया कराया होगा वो सब समाप्त हो जाएगा, वापस चला जाएगा, और उसके बाद कोई भी शक्ति उस घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, ठीक है। अगर आप साधना कर रहे हो और साधना में आपको सुरक्षा घेरा लगाना है, तो कोई भी कील लेकर के मंत्र पढ़ते हुए चारों तरफ गोल घेरा खींच दें, उस कील पर 7 बार या 11 बार मंत्र का जाप करें और गोल घेरा खींच दें, तो उस घेरे के अंदर जब तक आप साधना करेंगे तब तक कोई भी बाहरी शक्ति कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगी, आप उसके अंदर सुरक्षित रहेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई घेरा खोलना पड़ेगा जी, उठकर चलेंगे। भाई घेरा अपने आप खुल जाता है, घेरे को खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब ड्रामेबाजी नहीं करना है कि घेरा लगा दिया आप घेरा कैसे खोलेंगे। घेरा अपने आप खुल जाएगा, जब आप उठ के चलोगे तो घेरा ऑटोमेटिक ही टूट जाता है। तो ये सब मैं वीडियो के बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वरना मैं भी एक वीडियो अलग से बना देता कि भैया घेरा ऐसे तोड़ना है आपको। जब उठ करके चलोगे, घेरे से बाहर कदम रखोगे तो घेरा ऑटोमेटिक ही टूट जाता है। समझ में आ गया आपके? अब उसके बाद अगर मान लिया किसी पर कोई भूत प्रेत है, किया कराया है, उसको भी आप झाड़ा दे सकते हैं। नीम की टहनी ले लें और नीम की टहनी से उसको बिठा करके 5-7 बार उसको झाड़ा देंगे, तो देखेंगे कि उसके जो भी बीमारी है, या भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कुछ भी है, वो सब छोड़ करके चला जाएगा उसको, वो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा। और जितनी इस मंत्र को आप जाप करेंगे उतनी ही इसके अंदर पावर आती चली जाएगी। तो
तो आप ये भी समझ लेना कि जाप ज्यादा से ज्यादा करेंगे। अगर आपको तुरंत प्रभाव चाहिए तो फिर जाप ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।